सीयूटी 2023 के एस्पिरेंट जो बीएचयू को टारगेट करना चाहते हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है गुड न्यूज, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर क्या बीएचयू के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए। तो भैया जैसे उन्होंने आप सभी के लिए बोला था कि जैसे ही एनटी आप लोगों के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा तो उसके बाद में वो अपना पोर्टल है उसको वापस से लॉन्च कर देंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, बीएचयू ने फाइनली आप सभी के लिए जो पोर्टल है उसको ओपन कर दिया है। 15 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद में उन्होंने जो यूजी एडमिशंस के लिए है उस पोर्टल को ऑन करने के साथ ही 23 तारीख को लास्ट डेट रखी है। ये 23 तारीख तक आप लोगों का एक्टिवेट रहेगा, तब तक आप लोग फॉर्म फिलिंग कर पाओगे। तो भैया ध्यान से जाइए, उनको चीजों को कर लीजिए क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। अब आप लोगों को अपना स्कोर भी पता है और इजीली आप लोग अप्लाई कर पाओगे और 23 तारीख तक आप सभी के पास टाइम है। आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके साथ जो आप लोगों की फीस है उसको पे करना है, देन आप लोग इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो पूरी एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो सबसे अच्छी गुड न्यूज है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कितना खुश है आप सभी और कितने लोगों का स्कोर क्या क्या आ रहा है और कितने लोगों का ड्रीम कॉलेज है बीएचयू। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।